नमस्कार सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है बीएससी प्रो क्लासेज में। और यहाँ पे क्लास नंबर है अपनी 8वीं। एलजेब्रा की ये डेमो लेक्चर अपना 8वां है और शायद ही अपना लास्ट लेक्चर नहीं है, शायद कल और एक लेक्चर आ सकता है। 8-9 लेक्चर अपने डेमो के रहेंगे, उसके बाद में अपने जो क्लासेज हैं फिर एप्लीकेशन पर चलेंगे। ठीक है भाई, अब यहाँ पर मैं आपको पहले बता दूं कि जो डेमो लेक्चर चल रहे हैं ये क्लासेज आपके लिए वही ऑफिशियल क्लासेज हैं। कई बच्चे सोच रहे हैं ये डेमो लेक्चर हैं तो इनको लेना नहीं पड़ेगा। भैया डेमो लेक्चर हैं, इनको लेना पड़ेगा ऑफिशियल। ठीक है, अगर आप वहाँ पे एप्लीकेशन में देखोगे तो यही वीडियो लेक्चर में वहाँ पर ऐड करूँगा, तो इसलिए आपको डेमो लेक्चर लेने हैं और यही आपकी क्लासेज हैं। वो तो डेमो तो क्या नाम लिख रखा है, उसके आगे बाकी क्लासेज है अपनी पूरी। अब यहाँ पे आज की क्लास का शुभारंभ करते हैं और मैं आपको बता दूँ कि आज की क्लास है वो इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रखती है। क्यों? क्योंकि आज की क्लास में अपन ऐसे क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि एग्ज़ाम में केवल और केवल एक बार आया था और इसकी पॉसिबिलिटी एग्ज़ाम में आने की कम रहती है। तो बच्चे कह रहे हैं सर आप क्यों करा रहे हो? भाई हम इसलिए करा रहे हैं क्योंकि एग्ज़ाम में क्या तो दोबारा आ जाए, लेकिन रहती है ना क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी आने की, तो वो पॉसिबिलिटी कम है इसकी, बहुत ही ज़्यादा कम है। क्योंकि इसमें मतलब लॉजिक कम है, मेहनत ज़्यादा है, बड़ा क्वेश्चन है, मतलब इसलिए आपको ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने को कम मिलता है। बाकी और इसका कोई कारण नहीं है कि भाई इम्पोर्टेंट नहीं है, हालांकि है बढ़िया कोई क्वेश्चन, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन लॉजिक नहीं है इसमें, काम मेहनत ज़्यादा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़ते हैं और क्लास का शुभारम्भ करते हैं। बाकी क्लासेज के बारे में तो आपको पता ही है कि भाई क्लासेज अपनी है, ज़्यादा बड़ी इसकी नहीं होती है, नॉर्मली 15-20 मिनट की क्लास अपनी चलेगी। और एक बात बता दूं आपको मैं, ये जो आपकी 15-20 मिनट की क्लास है ना, बच्चे क्या सोचते हैं कि ये केवल 15-20 मिनट की क्लास है, लेकिन अगर मान लीजिए सपोज दैट मैं ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैं बोर्ड पे लिखवाता हूँ, बोर्ड पे लिखता हूँ हिंदी मीडियम प्लस इंग्लिश मीडियम, ठीक है, उसके बाद में इसका मैं सोल्यूशन करवाता हूँ आपको, उसके बाद में फिर आपको मैं लैंग्वेज लिखवाता हूँ। भैया ये जो क्लास है ना आपकी 15-20 मिनट की क्लास, ये होगी आपकी 40 से 45 मिनट की क्लास, और उस क्लास में भी आप इतना ही सीख पाओगे जितना मैं आज आपको इस क्लास में सिखाने वाला हूँ। तो भैया बोर्ड से बेस्ट वे है, अगर आपको कोर्स जल्दी कवर करना है तो मान लो कि बोर्ड से बेस्ट तरीका है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हुई है ना, अपन को केवल एक्सप्लेन करना है, लेकिन बोर्ड पर तो सारी चीज़ें लिखनी पड़ेंगी, फिर मिटाओ फिर लिखो, तो वहाँ पर टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है जबकि कंटेंट अपन कम सीखते हैं। लेकिन यहाँ पे कम समय में अपन पूरा कंटेंट सीख लेते हैं। अब बच्चे कहीं मेरे पास कॉल भी करते हैं कि सर आप 15 मिनट की क्लास लेते हो, कम से कम एक एक घंटे के लिया करो। भाई 15 मिनट में अपन दो क्वेश्चन करवा देते हैं, दो क्वेश्चन काफ़ी होते हैं, अगर आप रेगुलर भी दो क्वेश्चन पढ़ते हो तो काफ़ी आपके लिए इनफ है, पर्याप्त है। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार अपन। सिद्ध कीजिए कि अशून्य वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर नोट पर चार एक एक की आच्छादक फलन f1x, f2x, f3x, f4x परिभाषित हैं, तो संयुक्त फलन संक्रिया के सापेक्ष एक ग्रुप है। अब यहाँ पे आपको जो फोकस करना है इस क्वेश्चन में वो यहाँ पे यह है, संयुक्त फलन संक्रिया। अब ये जो आपकी संयुक्त फलन संक्रिया है ये क्या है, और ये प्लस है, माइनस है, डॉट है, क्या है कि जिसके द्वारा अपन यहाँ पे फंक्शन पे इसको ऑपरेट करेंगे, तो कौन सा ऑपरेशन है ये बात समझने लायक है। बाकी और तो इसमें कुछ भी समझने लायक बात नहीं है, आपके f1, f2, f3, f1x जो भी आगे f4 है दिया हुआ है आपको, क्या दिया हुआ है आपके फंक्शन है। ठीक है, इंग्लिश मीडियम की बात करते हैं। प्रूव दैट द सेट ऑफ फोर बिगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन f1, f2, f3 एंड f4 ऑन आर नॉट डिफाइंड बाई f1x इक्वल टू x, f2x इज इक्वल टू माइनस का x, f3x इज इक्वल टू 1/x, f4x इज इक्वल टू माइनस का 1/x फ्रॉम ए ग्रुप अंडर कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम वालों को समझना है अंडर कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या होता है, हिंदी मीडियम वाले संयुक्त फलन संक्रिया क्या होती है। बस समझ में आ गई, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, चले। अब यहाँ पे ये लैंग्वेज लिखी हुई है यहाँ पे जो कि आपको एग्जाम में लिखनी है, लेट माना जी इक्वल टू f1 f2 f3 जहाँ f4 भी लिख दो, भाई यहाँ पे f4 भी तो है, f4 भी है तो यहाँ पे f4 भी लिख दो। ठीक है, f4 जहाँ f1x ये है मान दे रखें,
एक अरिक्त समुच्चय है, क्या है, नॉन एम्प्टी सेट है। तब हमें सिद्ध करना है, देन वी प्रूव दैट समुच्चय जी संयुक्त फलन संक्रिया के सापेक्ष एक ग्रुप बनाता है। मतलब आपको इसको ग्रुप, यानी कि आपको ग्रुप प्रूफ करना है इसको, ठीक है, ग्रुप में सिद्ध करना है। चले, अरे भैया आपको तो चले आगे चलते हैं भाई, फिर अब यहाँ पे आगे चलते हैं अपन, ठीक है भाई, ये अपन आगे चले। यहाँ पे देखो, आप इसको जो सोल्व करने का तरीका है, सिंप्लीफाई करने का तरीका है, आपको जाना पड़ेगा पीछे, इलेवंथ क्लास की बात है या फिर नाइन्थ क्लास या इलेवंथ क्लास में अपन ये चीज़ सीखते हैं, एफ ओ जी जी ओ एफ, इस प्रकार से अपन सेट बनाते हैं, उन सेट के माध्यम से अपन वहाँ पे फंक्शंस का या फिर अपन कह सकते हैं सेट का निर्माण करते हैं। भाई इलेवंथ क्लास की बात है, जहाँ तक मुझे पता है इलेवंथ क्लास में आपने पहला ही चैप्टर है आपके, जहाँ आप जी ओ एफ एफ ओ जी या फिर जो भी आपके सेट बनते हैं उन सेट का निर्माण करते हो, आप सेट को बनाते हो, वैसे ही आपको यहाँ पे फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको ऑपरेशन टेबल बनानी पड़ेगी। क्या बनानी पड़ेगी? ऑपरेशन टेबल। लेकिन वो बनेगी कैसे? अब यहाँ पे स्टार्टिंग में मैंने आपसे क्या कहा था कि जो आपका ये सवाल है आपका, ठीक है, ये सवाल इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि इसमें लॉजिक तो नहीं है, लॉजिक अपना पुराने वाला है, और इसमें सीखने लायक बातें कम हैं, और यहाँ पे फालतू बातें ज़्यादा हैं, कहने का मतलब ये है, इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है क्वेश्चन। अब एग्ज़ाम में आ जाता है तो अपन ने करवा दिया भाई, पहले बोल रहा हूँ, ठीक है, बाकी नहीं आए आए ये अपने ऊपर डिपेंड नहीं है, तो एग्ज़ाम के ऊपर डिपेंड है, लेकिन इम्पोर्टेंस के हिसाब से क्वेश्चन इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है भाई। अब कोई बात नहीं, बात करते हैं आगे की। अब यहाँ पे फर्स्ट आप देखो, हम निकालते हैं यहाँ पे एफ, अब आप कह रहे थे ना कि जो हमारे पास में यहाँ पे ऑपरेशन कौन सा है, यहाँ पे जो ऑपरेशन है वो कौन सा है, तो यहाँ पे जो है ऑपरेशन ओ है, क्या है, ऑपरेशन ओ है, तो यहाँ पे देखो एफ ओ एफ वन एफ टू ओ एफ टू, मतलब आपकी जो संक्रिया सारणी है उसके जो एलिमेंट हैं वो आपको इसी प्रकार निकालने पड़ेंगे। अब जो आपका ये ओ ऑपरेशन है, यानी कि आपका देखो यहाँ पे संयुक्त फलन संक्रिया जो आपकी है, जो कि मैंने आपको अंडरलाइन करवाई थी, संयुक्त फलन संक्रिया और यहाँ पे अंडर कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, ये जो आपका है ये क्या होता है, इसको डिनोट करते हैं अपन ओ से। और इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, सिंपल भैया, छोटी क्लासों की बात है भाई, यहाँ पे क्या है एफ ओ एफ वन एक्स, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस एफ वन एक्स को, इस एफ वन को अपन यहाँ पे एक्स के ऊपर ऑपरेट करते हैं, तो एफ वन को बाहर लिया, यहाँ पे एफ वन एक्स को ऑपरेट किया, अब एफ वन एक्स का मान क्या है भाई, एफ एन एक्स का मान सिंपल एक्स है, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो ये सारी वैल्यू जो एफ वन एक्स का जो मान है वो क्या है, देखो भी एक बार यहाँ पे देखो एफ वन एक्स का मान क्या है, सिंपल एक्स है, ठीक है, तो एक्स रखेंगे और फिर उस एक्स का अपन एफ एन एक्स निकालेंगे, और एफ एन एक्स फिर हमारे पास वैल्यू एक्स वन ही आएगी, मतलब सिंपल एक्स ही बनेगी, देखो तो यहाँ पे भी वही बात बन रही है भाई, सिंपल एफ एन एक्स है, इसकी वैल्यू एक्स आ गई, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे देखो एक्स जो हमारे पास में, एक्स क्या लिख सकते हैं अपन, एफ वन लिख सकते हैं, तो एफ ओ एफ वन को अपन ने क्या लिखा, एफ वन। हालांकि अभी आपको थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा, ठीक है, जब अपन टेबल बनाएंगे, ऑपरेशन टेबल बनाएंगे, तो वहाँ पे आपको लॉजिक के साथ में समझ में आएगा कि अपन ने ये काम क्यों किया है। सेकेंड बात करता हूँ मैं एफ टू ओ एफ टू, ठीक है, एफ टू ओ एफ टू बात करते हैं, तो यहाँ पे वही x, यहाँ पे फिर हमारे पास देखो पहले तो f2 का मैं x के ऊपर करूँगा, तो f2x का जो मान है माइनस का x, ठीक है, उसके बाद में f2 है हमारे पास में, तो f2 का फिर माइनस x, तो अपन क्या करते हैं, छोटी क्लासों में सिखाया था, इलेवंथ क्लास में सिखा था अपन ने, अगर आपको याद हो तो बात कर रहा हूँ मैं, जिसको याद नहीं है वो सीख लो, ठीक है। जैसे क्या होता है, जैसे अब f2 माइनस का x आया, तो अब ये माइनस का जो x आया है ना, लेकिन अब यहाँ पे f2 का जो मान आपका है, उस f2 के मान को आपको इस x में रखना पड़ेगा, तो देखो माइनस बाहर ऐसे कैसे, और f2 का मान क्या है, माइनस का x, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आया, आपने जब f2 और f2 निकाला तब आपके पास में फिर x आ गया, और x हमारे पास क्या है, f1 है, तो यहाँ पे f2 और f2 की वैल्यू क्या आ गई, f1 आ गई। इसी प्रकार एक बच्चे का माइंड दौड़ा, ठीक है, और उसने अपना माइंड चलाते हुए मेरे से सवाल पूछ लिया और मैं घबरा गया। सवाल क्या था कि सर यदि मैं एफ टू ओ एफ थ्री निकाल लूँ तो भैया मैंने कहा इसमें क्या दिक्कत है,
इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको बताओ। अगर मान लीजिए आप F2O3 निकाल लेते हो, इसमें क्या प्रॉब्लम है बताओ, क्या प्रॉब्लम आ रही है इसमें? कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है। यहाँ पे F2O3 है, उसकी वैल्यू देखो, F3 यहाँ पे, F3 को अपन X के ऊपर ऑपरेट करेंगे, फिर हमारे पास जो वैल्यू आएगी अंदर की साइड में, उस अंदर की साइड में वैल्यू आएगी, तो F2 की वैल्यू फिर उसके अंदर रखेंगे अपन, निकल के आ जाएगी, ठीक है? आप करके देख लेना, सेम आएगी वैल्यू। उसके बाद में F3O3 निकालते हैं, तो यहाँ पे F3O F3 निकालते हैं, तो यहाँ पे देखो F3 को मैंने X के ऊपर ऑपरेट किया, ठीक है? फिर इस X की जगह आप F3 की वैल्यू रखोगे, तब जाके आपका F3 1/X है। तो यहाँ पे आप देखो F3 1/X, तो 1/X इस X की जगह आपको F3 की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो F3 की वैल्यू क्या होती है? 1/X होती नहीं है, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहाँ पे जो वैल्यू लिखी हुई है वो कोई फिक्स नहीं है, ये आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखनी है। तो यहाँ पे 1/X, तो X ऊपर गया तो X हमारे पास, फिर हमारे पास F1 आ गया, और F4 इसका मान भी हमारे पास वही F1 आएगा। तो कैसे निकाल रहे हैं आपको पता चला? तो अब यहाँ पे ये जो मेथड है, मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा, ऐसा मैं उम्मीद कर सकता हूँ। लेकिन अब देखो आगे चलते हैं और ऑपरेशन टेबल को देखते हैं, तो फिर आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। देखो ये है आपका ऑपरेशन ओ, ठीक है, संयुक्त फलन की संक्रिया इसको अपन बोलते हैं। तो यहाँ पे एक बात आप सीख लेना, जब आप पे ऐसे सारणी बनाओगे, टेबल बनाओगे, तो यहाँ पे देखो ये F1 आपको एलिमेंट दिख रहा है, तो एक F1 एक ऐसा एलिमेंट है जो कि किसी के साथ में भी आप ऑपरेट कर देना, इसके साथ में, इसके साथ में, इसके साथ में, इसके साथ में, आपका सेम बिहेव करेगा, क्या करेगा? सेम बिहेव शो करेगा। तो इसलिए ये क्या हो गया, ये हो गया आपका आइडेंटिटी एलिमेंट। ऐसे क्वेश्चनों में आपको पहले से इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, मैंने आपको अभी बता दिया, ठीक है? अब बच्चे कह रहे हैं कि सर एक बात बताओ, अभी आपने जैसे जो क्वेश्चन सोल्व करा था, अभी मतलब यहाँ पे वैल्यू फाइंड करी थी, उस हिसाब से तो हमें तो 4-5 घंटे लग जाएंगे इस क्वेश्चन को सोल्व करने में। मैंने कहा भाई 4-5 घंटे तो नहीं लगेंगे, लेकिन टाइम लगेगा इसमें, टाइम इसमें लगेगा। क्यों? क्योंकि आप देखो यहाँ पे अगर मैं F0 F1 की वैल्यू निकालूँ, F0 F2 F0 F3 F0 F4, उसके बाद में F2 F1 F0 F2 F2 O फिर F3, ऐसे करके मेरे को सारी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो बच्चे कहेंगे सर ये तो बहुत हमारे साथ दिक्कत की बात हो गई, हमारे लिए बहुत दिक्कत की बात हो गई। तो इसलिए बोल रहा हूँ आपको, ये सवाल एग्ज़ाम में बहुत कम आते हैं, चांस रहते हैं 1-2% चांस रहते हैं, तो इसलिए चांस भाई क्या पता इसी बार बन जाए, इसलिए अपन रिस्क नहीं लेते हैं। आपको इस क्वेश्चन को करवा दिया, अब आप में से बहुत सारे बच्चे इसको नहीं भी करके जाएंगे ना, तो ये भी एग्ज़ाम में आ भी गया तो फिर भी बच्चे थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ इसमें करके आ जाएंगे, क्योंकि उन्होंने थोड़ा बहुत तो पढ़ा है, थोड़ा बहुत उन्होंने पढ़ा है, तो इसलिए वो एग्ज़ाम में करके आ जाएंगे, ठीक है? तो अब यहाँ पे टेबल देखो बनी हुई है। अब देखो टेबल की ट्रिक है सीधी सी, अब बच्चे कहेंगे सर ये जो मान है कैसे निकाले? तो देखो इसी क्वेश्चन के लिए अगर मैं बात करूँ, सिंपल इसी क्वेश्चन के लिए, तो ट्रिक है अपने पास में, आप देख लो F1 F2 F3 F4, ठीक है, F1 F2 F3 F4, ठीक है, F1 F2 F3 F4, ठीक है, और F1 F2 F3 F4, मतलब यहाँ पे तो आपको पूरा सर्किल जो आपका है ये आपका, तो आपको मतलब निकालने की ज़रूरत नहीं है अगर यही क्वेश्चन आपका आ जाता है तो, ठीक है? तो ये आप ऐसे कैसे लिख देना, बाकी जो ये अंदर की दो वैल्यू है 1, 2, 3, 4, ये 4 वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी बस। और कैसे निकालोगे, देखो ये F1 है तो F2O F2 एक वैल्यू, ठीक है, उसके बाद में एक ये वैल्यू है तो F2O F3 एक ये वैल्यू हो गई, एक ये हमारे पास में F3O F2 और एक हमारे पास में F3O F3, ये वैल्यू निकालनी पड़ेगी 4, बाकी खेल ख़त्म है। लेकिन मैंने एक बात बोली आपसे, इसी क्वेश्चन के लिए बोल रहा हूँ मैं, कहीं आप सोचो कि सर और जो क्वेश्चन होंगे उनमें भी ये ट्रिक अप्लाई होगी, बिल्कुल नहीं होगी भैया, अगर यही क्वेश्चन उठ के आ जाता है। देखो होता क्या है कि एग्जामिनर कई बार क्या करता है, आपके सोल्ड पेपर उठाता है और अपने बच्चे को दे देता है भाई पेपर इसमें से बना दे,
अब बच्चे को अच्छा लगा क्वेश्चन, उसने डाल दिया। भाई राजस्थान छुट्टी है, कुछ भी हो सकता है, सही बात है कि नहीं है? इसलिए आपको इस क्वेश्चन को करके जाना है एग्जाम में। बाकी आप देखो कुछ नहीं है, हो चुका प्रूफ, बस ये टेबल बना ली, मतलब आपका प्रूफ हो चुका है। देखो पहली प्रॉपर्टी क्लोजर, क्या लिखेंगे इसमें? चूंकि संक्रिया सारणी में संक्रिय सारणी का प्रत्येक अवयव जी में विद्यमान है, अतः समरत्ता गुणधर्म की पुष्टि होती है। अब मैं उम्मीद कर सकता हूँ, 7 क्लास हो चुकी है और ये 8वीं क्लास है, उम्मीद कर सकता हूँ कि आपको ये चारों प्रॉपर्टी जबान पे रट गई होंगी अब तक तो, अगर आपने पढ़ा होगा तो। नहीं वैसे तो फिर कितना भी पढ़ा लें, कितना भी समझा लें, कुछ भी नहीं होने वाला। अब यहाँ पे बात करता हूँ, पहली प्रॉपर्टी क्लियर। सिंस क्लियर फ्रॉम ऑपरेशन टेबल बिलोंग इन सेट जी, हैंस क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई, मतलब यहाँ पे सारे जो एलिमेंट हैं वो बिलोंग कर रहे हैं किसमें? जी में, मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। कौन? आपका जी। कौन सा है ये? नॉन एम्पिटी सेट जी, पहली प्रॉपर्टी क्लियर। सेकंड प्रॉपर्टी एसोसिएटिविटी, क्या है? एसोसिएटिविटी, सहचर्यता। चूंकि हम जानते हैं संयुक्त फलन संक्रिया जीरो सदैव सहचर्य नियम की पालना करती है, अर्थात सिंस वी नो दैट कंपोजिशन, सिंस वी नो दैट कंपोजिशन ऑफ फंक्शन ऑलवेज सेटिस्फाई एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी, डायरेक्ट लिखना है आपको, ठीक है? अगर आप यहाँ पे प्रूफ करने बैठ गए तो आपका काम खत्म हो जाएगा। तीसरी तत्समय का अवयव। अब तत्समय का अवयव क्या होता है आप सभी जानते हो, एक ऐसा एलिमेंट जिसको किसी भी एलिमेंट के साथ में अगर अपन प्रोडक्ट करते, मतलब जो आपको ऑपरेशन दिया हुआ है उस ऑपरेशन को ऑपरेट करते हैं तो उसको कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो मैंने आपको आते बोल दिया था कि F1 एक ऐसा एलिमेंट है जिसको किसी भी एलिमेंट के साथ में कुछ भी करो आप, कुछ भी करो आप, तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। F1, F2, F3 देख लो भाई, F1, F2, F3 यहाँ पे पहले लिख दो, F1, F2, F3। तो यहाँ पे एक ऐसा एलिमेंट ढूंढना है आपको कि इसके साथ में अगर अपन यहाँ पे ऑपरेट करते हैं फंक्शन को तो यहाँ पे वैल्यू सेम मिलनी चाहिए। तो हमारे पास कौन सा एलिमेंट है? वो F1 एलिमेंट है। उल्टा करके लिख दो, बात बराबर है, अर्थात F1 यहाँ पे एक आइडेंटिटी एलिमेंट आपका निकल के आता है। बात सही है या नहीं है? क्लियर है, ठीक है। फोर्थ बात करते हैं, प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व, एग्जिस्टेंस ऑफ द इनवर्स एलिमेंट। संक्रिया सारणी से स्पष्ट है कि सिंस क्लियर फ्रॉम ऑपरेशन टेबल। आप देखो अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है आप सभी बच्चे जानते होंगे, ए संक्रिया करवाता हूँ मैं कोई सी भी, बी इज इक्वल टू ई, ये होता है अपना प्रतिलोम अवयव का फॉर्मूला। अब किसी को याद नहीं हो तो समझ जाना भैया काम खत्म है आपका। अब यहाँ पे मैंने F1 पहले लिख दिया क्योंकि वो तो एक आइडेंटिटी एलिमेंट है जो कि अपन पहले निकाल चुके हैं। अब यहाँ पे F1, F2, अब यहाँ पे जो बी एलिमेंट है अपन को ऐसा ढूंढना है कि F1 के साथ में अपन करते हैं प्रोडक्ट तो अपने F1 ही मिलना चाहिए। तो अब देखो इसमें तो आपको मैंने पहले बता दिया था कि यहाँ पे आपके पास में टेबल है, साफ सुथरी टेबल है भाई, F1 का करते हैं F1 के साथ में, F2 का कब आएगा F2 के साथ में, F3 का कब आएगा F3 के साथ में, F4 का F4 के साथ में, तो ये हमारे पास में F1 मिलेगा। तो भैया यहाँ पे जो आपका है F1 का इनवर्स F1, F2 का इनवर्स F2, F3 का इनवर्स F3, खत्म। अरे भैया खेल खत्म हुआ कि नहीं हुआ? क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? अरे आएगा क्यों नहीं, ठीक है। बाकी एक बात मैं आपको बता देता हूँ, कल की जो क्लास रहने वाली है, क्या सुना? कल की जो क्लास रहने वाली है वो रहेगी आपकी 4 नंबर की क्लास, 4 नंबर की आपकी वो क्लास रहेगी। अरे सुन रहे हो कि ध्यान से सारे बच्चे जो क्लास ले रहा है अभी, कल की क्लास 4 नंबर की रहेगी, मतलब 4 की रहेगी, ठीक है। और कल आपके 4 नंबर पक्के हो जाएंगे, हम आपको बता देंगे कौन सा क्वेश्चन आएगा कौन सा नहीं आएगा, 4 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे इन 9 लेक्चरों में। और हालांकि 9 लेक्चर देखे जाएं तो इतने बड़े बड़े नहीं है, सिंपल छोटे छोटे लेक्चर है बस, ठीक है। ठीक है भाई, तो ये अपना कंप्लीट। बाकी छोटा सा क्वेश्चन आपको एक होमवर्क के लिए दे देते हैं, अगर आपकी इच्छा हो तो कर लेना, नहीं तो कोई भी जरूरत उसकी नहीं है। F3 हो निकल जाएगा आराम से, अतः जी के प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम अवयव, अतः अर्थात, ठीक है, जी जो आपका समुच्चय है उसके प्रत्येक एलिमेंट, एवरी एलिमेंट का एग्जिस्टेंस है, मतलब उसके एवरी एलिमेंट का इनवर्स एलिमेंट का एग्जिस्टेंस है, ठीक है, इसके द्वारा अपन कह सकते हैं।
बाकी अपन कह सकते हैं कि जो चारों प्रॉपर्टीज हैं वो जी ने फॉलो करी। जो जी कौन है? एक नॉन एम्पिटी सेट है। अभी तो क्या है, समुच्चय हो, लेकिन इसने चारों प्रॉपर्टी फॉलो कर दी है, तो अब ये बन चुका है ग्रुप। क्या बन चुका है? ग्रुप बन चुका है। अभी ये बात सही है। अब एग्जाम्पल आपके सामने है, इसी प्रकार का सेम एग्जाम्पल है, एग्जाम में क्या पता ये वाला आ जाए, तो आप इसको करके देख लेना। बाकी कुछ भी आवश्यकता नहीं है करने की, जहाँ तक मुझे लगता है। बाकी आपको यहाँ पे दे दिया है होमवर्क के तौर पे, आप करो तो ठीक है। और यहाँ पे नोट्स में तो आपको शायद मिल जाएगा, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता नहीं मैं भी इसको सोल्व करने वाला हूँ, क्योंकि इसमें टाइम लगेगा, इसमें प्रॉपर टाइम लगेगा। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से देख लेना, बाकी एग्ज़ाम टाइम में इसको देख लेना। भाई ऐसा कुछ आ जाए तो फिर अपन ये तरीका अपना सकते हैं। ठीक है, मतलब आप एक ही तरीके का सवाल ये कर जाना, बाकी एग्ज़ाम में आता है तो फिर देख लिया जाएगा। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही। हो गया अपने 20 मिनट और हो गया अपने 2 क्वेश्चन, होमवर्क दे दिया आपको क्वेश्चन। ठीक है, तो कल की जो क्लास है वो बड़ी होगी, मैं आपको अभी बोल देता हूँ, और इम्पोर्टेंट सवाल रहेंगे, 4 नंबर पक्के भी करेंगे। ठीक है, तो कल आप ज़रूर से लाइव जुड़ जाना, जो बच्चे देख रहे हैं, बाकी तो फिर जय श्री राम। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद भाई।